सीएजी ने बिहार विधानसभा में ऑडिट रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 जिले अस्पतालों के ऑडिट का निर्णय था, लेकिन कोविड की वजह से 5 जिलों के ही अस्पतालों का ऑडिट हो सका। ओपीडी आईपीडी से लेकर तमाम गतिविधियों का ऑडिट किया गया है। बिहार शरीफ, हाजीपुर, जहानाबाद, मधेपुरा और पटना का ऑडिट हुआ। ऑडिट में बताया गया है कि जिला अस्पतालों में जनसंख्या के अनुरूप बेड उपलब्ध नहीं है। 2 जिला अस्पतालों को छोड़कर बाकी में 24 से 32% ही बेड थे। 2014 से 2020 तक डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियन की लगातार कमी थी, लेकिन खाली पदों को भरने के लिए कुल रिक्तियां प्रकाशित नहीं हुई। बिहार के 9 जिले ऐसे थे जहां कोई भी ब्लड बैंक नहीं था। आज विधानसभा में एक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, इसका प्रेस ब्रीफ आप सभी को वितरित किया जा चुका है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जिनका ऑडिट किया, बिहार शरीफ, हाजीपुर, जहानाबाद, मधेपुरा और पटना। इसमें हमने विभिन्न जो कार्य देखे वो आप देख सकते हैं। ओपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी, ओटी, आईसीयू, मैटरनिटी और सीसीयू, ये प्रमुख है। इसके अलावा भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से संबंधित विभिन्न गतिविधियां होती है उनको भी हमने इस ऑडिट में कवर करने का प्रयास किया है। जो मेजर फाइंडिंग्स हैं उस पर मैं आता हूँ। जैसे इस मैं बता रहा हूँ कि शॉर्टफॉल ऑफ बेड्स, जो बेड्स हैं वो हमने 2 प्रकार के इसमें नॉर्म लिए हैं जिसके अगेंस्ट में हमने इसको एग्जामिनेशन किया है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स और गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा स्वीकृत किए हुए बेड्स की संख्या। अगर हम शॉर्टफॉल देखें IPHS नॉर्म के हिसाब से तो ये 52% से 92% तक शॉर्टफॉल है। और खुद बिहार सरकार ने जो खुद बेड्स की संख्या कितनी होनी चाहिए हॉस्पिटल में उसके हिसाब से देखें वो भी 24 से 32% तक शॉर्टफॉल है इन 5 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। किस डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में कितनी शॉर्टफॉल है ये आप टेबल में देख सकते हैं। साथ में ही हमने देखा कि डॉक्टर्स की शॉर्टफॉल भी बहुत रही है, परसिस्टेंट शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स 36 से 60%, जबकि नर्सेज की शॉर्टफॉल 9% से 84% तक रही है।